गुड इवनिंग बच्चों, हिंदी का पेज नंबर 40 का ये अभ्यास करने के लिए मैंने ये पेज आपको पहले भी शेयर किया था। जिन बच्चों को ये अभ्यास नहीं बना है उनके लिए मैं दोबारा इस अभ्यास को करके भेज रहा हूँ। आप सभी मेरे बताए तरीके से इस अभ्यास को पूरा करेंगे और करने के बाद मुझे चेक करने के लिए भेजेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या दिया है प्रश्न में। दिए गए वर्णों में, यहाँ जो दिए गए वर्ण है कौन कौन से वर्ण है, ट ठ ड ढ न, ट ठ द ढ न, प फ ब भ म। तो ट से लेकर म तक ये जो वर्ण हमें दिए हैं, इन वर्णों में ए आए, ओ आओ, अंग अह, ये मात्राएं लगाकर हमें लिखना है। जो मात्रा ऊपर लगी है उसके नीचे आने वाले वर्ण पर वैसी ही मात्रा हमें लगानी है। ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ यदि वर्ण ट लिखा है तो आप पहले बार बार ट ट ट ट ट ट लिख लेंगे, इसके बाद में अब हम मात्रा लगाना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ दिया है ए की मात्रा, तो यहाँ हम ट में ए की मात्रा लगा देते हैं, ये बन गया ट में ए की मात्रा टे। फिर यहाँ ए की मात्रा है तो ट में ए की मात्रा हम लगा देते हैं टे। इसके बाद ओ की मात्रा है, यहाँ पे हम ट पे लगाएंगे ओ की मात्रा टो, टे टे टो। यहाँ पर औ की मात्रा है तो हम ट पर भी औ की मात्रा लगा देंगे टउ। फिर यहाँ पर ट के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी है, अम की बिंदी, यहाँ पर लगा देंगे अम की बिंदी टंग। आखिरी में टा में आखिरी मात्रा हमें लगाना विसर्ग, तो ये टा में हम लाइन के सामने लगा देंगे विसर्ग, ये बन गया टहा, टे टे टो टो टम टहा। बाकी के जो हैं ये भी आपको इसी प्रकार से करना है। जैसे ये ठा वाला है तो यहाँ आ जाएगा ठ और एक ही मात्रा लग जाएगी ठे, फिर ठे, यहाँ पे ठ आएगा और ए की मात्रा लगेगी ठे, फिर यहाँ ठ लिखकर ओ की मात्रा लगाएंगे ठो, फिर यहाँ ठ लिखकर ऊपर के दिखाए अनुसार औ की मात्रा लगाएंगे ठाऊ, फिर यहाँ पर इसी ठा को आगे लिखेंगे और ऊपर के दिखाए अनुसार अंग की मात्रा लगाएंगे ठंग, और आखिरी में फिर से ठ को लिख करके ऊपर दिखाए अनुसार आ की मात्रा लगाएंगे। इस तरह से आपको पूरा करना है और इसे करके चेक करने के लिए मुझे भेजना है। थैंक यू।